देर से ही सही, लेकिन न्याय मिल ही गया। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उसका इंसाफ 7 साल बाद मिला। 20 मार्च 2020 को निर्भया के इन चारों दरिंदों को तिहाड़ जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लेकिन अब इन चारों की फांसी के बाद लगता है कि कोल्हापुर की इन दो सगी बहनों का नंबर भी जल्द ही आएगा, रेणुका शिंदे और सीमा गवित। ये वो दो बहनें हैं जिन्हें जल्द ही फांसी के तख्ते पर लटकाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ये दोनों बहनें बीते 25 साल से पुणे की यरवड़ा की उस जेल में बंद है जहां आतंकी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। बच्चों का अपहरण और उनकी क्रूर हत्या के मामले में रेणुका और सीमा गवित के साथ उनकी माँ अंजनी बाई गवित की अहम भूमिका थी और इन्हीं केस के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों महिलाएं 42 बच्चों की कातिल हैं। हालांकि कोर्ट में 42 में से अपराध के 9 मामले ही साबित हो पाए। 90 के दशक में ये दोनों बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करती थी और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती। जब इनका मकसद पूरा हो जाता तब ये बेरहमी से उन बच्चों की हत्या कर देती। एक बच्चे के अपहरण के आरोप में नासिक पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था और नवंबर 1996 में पुलिस ने तीनों को जेल में डाल दिया। पूछताछ के दौरान जो मामले सामने आए उससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में हलचल मच गई, जिसके बाद तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए। रेणुका का पति इस मामले में मुख्य गवाह बन गया तो उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए गए। दिसंबर 1997 में अंजनी बाई यानी इन दोनों की मां की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही जेल में मौत हो गई। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने दोनों हत्यारी बहनों को फांसी की सजा सुनाई। अगस्त 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी, लेकिन 14 अगस्त 2014 को इन दोनों बहनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी, जिसे उस समय राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। अब इन दोनों को भी अपनी सजाए मौत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।